इसी के अंदर मीरा आलम ईदगाह पे जो ईद उल फितर की नमाज़ होती है उसके इंतज़ाम के लिए सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को लेकर यहाँ पर आज तफसीली दौरा किया गया है। इस दौरे में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड था, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट था, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक एंड लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट है और दीगर डिपार्टमेंट्स के संगत तफसीली दौरा किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हर साल की तरह इस साल भी जिस तरीके से नुमाइंदगी हुई है ईद के इंतज़ाम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से क्या क्या इंतज़ाम है, कहाँ कहाँ VIP पार्किंग है, कहाँ पर पार्किंग किया जाएगा, क्या रूट्स आए जाएंगे, क्या रूट्स बंद किए जाएंगे तफसील रखा है। जैसा लाइन आर्डर पुलिस है वो लोग अपने इंतज़ाम सराउंडिंग ईदगाह और आसपास के जितने बस्तियों में है किस तरीके से लाइन आर्डर का इंतज़ाम किया जाएगा वो अपनी तफसील रखे हैं। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वाले उनके 5 कैंप रहेंगे, एडिशनल टैंकर आए जाएंगे, वजू के लिए ख़ास तौर से स्पेशल इंतज़ाम किया जाएगा। उसमें मैं ये इंक्लूड करना चाह रहा हूँ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को, आपके चैनलों के ज़रिए और ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है। बाहर की तरफ तो आपके सारे कैंप्स लगे जाते हैं पानी के सैचेट्स के, धुपकाले के दिना है, काफ़ी लोग सुबह से आके बढ़ जाते हैं ईद की नमाज़ के लिए। इस ईदगाह के अंदर इंटीरियर ग्राउंड के जो कॉर्नर पॉकेट्स के अंदर भी वाटर के सैचेट्स का इंतज़ाम किया जाए तो वहाँ पर जो मुसल्ली आके बैठ रहा है अगर प्यास लगी है ईद के दिन तो यहाँ का यहाँ पानी पी सके उन्हें, ये एक इंक्लूड करना चाह रहा हूँ मैं। और सैनिटेशन डिपार्टमेंट तकरीबन आज 15 दिन से लगा हुआ है ईदगाह और ईदगाह के आसपास के पूरे इलाकों को साफ़ सफाई करने के लिए, और इंजीनियरिंग सेक्शन जो काम किया है हमारे रिप्रेजेंटेशन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, ख़ास तौर से इस ईदगाह के इंतज़ाम के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 20 लाख रुपये सेंक्शन कर चुका था, जिसमें दो अप्रोचिंग रोड्स ईदगाह के दो तरफ के BT रोड्स पड़े हैं और मुरम फिल्डिंग हुई है पूरी, और जो भी दीगर कामा थे वो कामा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कराया गया है। और हमारा वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट है, जितना भी अंदर इंतज़ाम किया जाता है ईदगाह के अंदर, डेरों का इंतज़ाम होने दीजिए या लाउड स्पीकर का इंतज़ाम होने दीजिए या जानिमाज़ों का इंतज़ाम होने दीजिए, सारा वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से, स्टेट वक्फ बोर्ड तेलंगाना अपनी जानिब से किया जाता है। ये कामा पिछले 15 दिन से हम सारे, मैं इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब खादर साहब, हमारे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के वर्कर्स और सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में थे हम लोग, और लास्ट 15 डेज से ये काम का सिलसिला चल रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस कामों का इंस्पेक्शन किया गया है। मैं मेरी जानिब से सारे तमाम जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके कॉपरेशन की तरफ से ही हर साल इस ईदगाह ग्राउंड में ईद की नमाज़ अच्छी तरीके से पढ़ी जाती है और पब्लिक बेफिक्र होकर आकर पढ़ के बगैर कोई तकलीफ़ के अपने घरों को वापस जाती है। ये एक टीम वर्क है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा काम करना चाहती है और काम की बुनियाद के ऊपर ही आवाम के दरमियान में रहती है। मैं आखिरी में यही कहूँगा इस चैनलों के ज़रिए शहर हैदराबाद और तेलंगाना के आवाम से इन एडवांस मेरी तरफ से आप तमाम को ईद मुबारक। शुक्रिया बहुत। Women's wear, men's wear, kids wear, men's textiles. Nikah, Mehdi Patnam, Patrigatti, Tori Chowki, Hyderabad.